ओके, तो इस प्रॉब्लम में हमको फैक्टोरियल 10 के लास्ट के 3 डिजिट्स कैलकुलेट करने हैं। तो इसको कैसे कर सकते हैं? देखिए, मैंने पूरा 1 से लेके 10 तक का मल्टीप्लिकेशन लिख दिया, एंड 2 एंड 5 जब कंबाइन होंगे तो 10 बनाएंगे, एंड इंटू 10। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 3 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 100, क्योंकि आखिरी के 3 डिजिट अपने को बताने, जिसमें से आखिरी के 2 डिजिट तो डेफिनेटली 0 होंगे। अब ये जो भी कैलकुलेशन हो, ये सारा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, इसका जो भी यूनिट प्लेस पर नंबर आएगा एंड इंटू 100 जब आप इसमें लगाएंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 5 आता है, तो जब इंटू 100 होगा तो लास्ट के 3 डिजिट जो है वो 500 ऐसे हो जाएंगे, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई अगर किया इसका मतलब इक्विवेलेंटली ये 2 0 पीछे जाके ऐड हो जाएंगे। तो हमें सिर्फ इस नंबर का यूनिट प्लेस कैलकुलेट करना है, पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। इस ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन का यूनिट प्लेस सिर्फ, तो 3 इंटू 4 12, 12 का 2, फिर 2 इंटू 6 24, 24 का 4, इंटू 7 28, आखिरी डिजिट 8, 8 इंटू 8 64, लास्ट डिजिट 4, 4 इंटू 9 36। तो ये लास्ट डिजिट एक बार देख लेते हैं, 3 इंटू 4 12, 2 इंटू 6 12 2, 14 4, 4 इंटू 8 32, एंड 2 एंड 9 18, 8 आ जाएगा ना, यूनिट प्लेस विल बी इक्वल टू 8। तो लास्ट 3 डिजिट जो होंगे वो इस नंबर के 800 ना ऐसे हो जाएंगे। तो फिर हमारा यही फाइनल आंसर हो जाएगा कि 800 विल बी द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ 10 फैक्टोरियल।